हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, ख्वाजा सरा, छक्का ना, ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं उनके लिए, छक्का भी बहुत सारे कहते हैं बट आई गेस इसलिए मैं बोलता ना उर्दू में आप छक्का बराबर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ुबा एंड माय प्रोफेशन इज एन आर्किटेक्ट। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर मेकिंग मी एंड मैनी अदर्स अ ग्रेट मुस्लिम, नॉट जस्ट बाय एज इन नॉट अ बॉर्न मुस्लिम ओनली बट अ लॉजिकल मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so my question is, what is the part of transgenders in inheritance, and why no one discuss about this, due to which no one owns them, though they are all also Allah's creation? Thank you. बेन ने सवाल किया है कि वो काफ़ी मुतासर हुई और काफ़ी इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल हुई मेरे वीडियो का सब देखने के बाद। उनका सवाल है कि ट्रांसजेंडर के बारे में कोई जिक्र नहीं, क्यों नहीं करता, और ट्रांसजेंडर में जो इनहेरिटेंस है, विरासत में उनका हिस्सा क्या है। पहले आपको मतलब पता, ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जो अपने जेंडर को तब्दील करता है। ट्रांसजेंडर वो शख्स है, वो इंसान है जो अपने जिन्स को तब्दील करता है, लड़का लड़की में बन जाता है या लड़की लड़का में बन जाता है, ये इस्लाम में हराम है। सर, आई वांट टू क्लियर वन थिंग, सॉरी, मैं जरा मिसअंडरस्टूड, आई डिडंट वांट टू से ट्रांसजेंडर्स, आई मेंट ख्वाजा सरा बेसिकली। सॉरी, ख्वाजा सरा जो बेसिकली द मिडिल जेंडर, मिडिल सेक्स के बारे में yes. ये कह रहे हैं मिडिल सेक्स। वही मैं कह रहा हूं कि आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, आप LGBT लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर, इंसान जब पैदा होता है आमतौर पे दो टाइप के सेक्स होते हैं, मेल या फीमेल, उसका जिन्स मर्द या औरत होता है, मेल या फीमेल आमतौर पे। लेकिन ट्रांसजेंडर मतलब एक इंसान बच्चा रहता है, उसको लड़की बनने का शौक आता है, बड़ा बन के लड़की में तब्दील हो जाता है, ये इस्लाम में हराम है। लड़का है लड़की बनना चाहता है, लड़की है लड़का बनना चाहता है, और कुछ टाइम जेंडर जो क्या कहते हैं उसे, दो टाइप आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है, इसके अंदर से भी अक्सर इट इज डन पर्पसफुली, लाइक जिन्स को तबाह करते हैं, सेक्स के जेंडर को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का बराबर, आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं जी, तो ख्वाजा सरा छक्का ना, क्रिकेट का छक्का नहीं जी। आपने कुछ कहा सर, ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं उनके लिए, छक्का भी बहुत सारे कहते हैं बट आई गेस इसलिए मैं बोलता ना उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल कराएगा जो हाई फंडा हो, मैं नहीं जानता, मैं उर्दू में कमजोर है मैं, लेकिन मेडिकल डॉक्टर हूं, आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलूंगी तो फट से समझ जाऊंगा, लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का तो हाँ बोल, लेकिन क्रिकेट का छक्का नहीं है। और ये अक्सर जो होते हैं दे आर मैनिपुलेटेड, उनमें जिन्स तब्दीली की जाते हैं, दे नॉट बॉर्न दैट वे, आप समझ रहे, ये किया जाता है, दे नॉट बॉर्न। कुछ शख्स ऐसे हैं जिसके अंदर बर्थ के अंदर प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन उस बर्थ के अंदर भी टेस्ट करने से पता जाता है कि उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है, डोमिनेंट सेक्स मतलब असल में सेक्स क्या है। कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसमें जिन्स जानना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट करके हमें पता चल सकता है उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है, डोमिनेंट मतलब ओरिजिनल सेक्स क्या है। तो इस्लाम में जहां विरासत है, मुझे पता है विरासत मेन मकसद नहीं, खाली फेंकने के लिए फेंक दे, लेकिन जवाब दूंगा मैं,
फेंकने के लिए गेंद फेंक दिया, अभी सिक्सर मारने पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ट्रांसजेंडर का मतलब पता नहीं, छक्के का मतलब, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत दी उतना। तो अगर डोमिनेंट जो सेक्स है विरासत के अंदर, लड़के को मिलता है लड़की का डबल हिस्सा वालदेन को देने के बाद, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12 विरासत के बारे में कई जगह लिखा है, लेकिन मेन जो कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12 में लिखा है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा, सिर्फ बेटियां हैं दो से ज्यादा तो दो तिया मिलेगा, सिर्फ एक है तो आधा मिलेगा, और फिर कंटिन्यू होता है कि आपके वालदेन को मिलेगा 1/6 एक छठा हिस्सा, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो माँ को मिलेगा डबल। उसकी नेक्स्ट आयत में आयत नंबर 12 आपके बीवियों को मिलेगा 1/8 अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो 1/4 मिलेगा, आपको मिलेगा आधा अगर बच्चे नहीं है, 1/4 मिलेगा अगर बच्चे है। ये मोटे मोटे हिस्से है आपका जो मेन है, लड़के को बेटे को मिलता है बेटियों से डबल माँ बाप को देने के बाद। तो अगर वो छक्का है उसका डोमिनेंट सेक्स मेल है तो उसको लड़कियों से डबल मिलेगा, अगर डोमिनेंट सेक्स फीमेल है तो उनको मेल का आधा मिलेगा। आपका जवाब हो गया? Yes, but again, why no one अभी तो आपका सवाल खत्म हो गया ना, अब दूसरे सवाल की लाइन के पीछे जाओ।